तो आप क्यों नहीं इसको ब्रॉड करते, क्यों नहीं कैनवस बड़ा करते? बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करेंगे तो जीतेंगे और छोटी लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद विजय मिलने में दिक्कत होगी, हर्डल्स आएंगे। आपको क्या लगता है? आप लगातार इस बात को नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। ईपीएस 95 के बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और जो मैंने बातें रखी, जिस तरीके से मैंने बात रखी, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की सहमति आई। ज्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि आंदोलन करने का तरीका बदलना पड़ेगा या जो तरीका अब तक अपनाया गया वो अब तक कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों ने इस तरीके पे, जिन्होंने अपना टाइम लगाया, जिन्होंने 8 साल 10 साल तक जिस तरीके से ईपीएस 95 के लिए संघर्ष किया है, उनके जज्बे को सलाम है। उनकी ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो मेहनत है उसमें कोई दोष नहीं है, उनके काम में कोई कमी नहीं रही, उनकी मेहनत पूरी थी, पूरी शक्ति से वो लोग लगे रहे और उनकी इच्छा में भी कहीं कोई खोट नहीं था, क्योंकि जो उनके आंसुओं की कहानी थी हम सब ने देखी कि हजारों लाखों लोग उनको लगातार देख रहे हैं और उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रस्ट करने का फैसला कोई है ही नहीं कि कोई ये कहे कि भाई इन पर भरोसा नहीं है। तो जो लीडरशिप है एनएसी की, उस पर पूरा भरोसा है, पूरा उस पर भरोसा है। और जो एनएसी की लीडरशिप ने जो भी काम किया, जो मेहनत की, यहाँ तक लेके आए। देखिए, आंदोलन के कई पड़ाव होते हैं, मैं आपको बता दूं, आंदोलन के पड़ाव होते हैं। सबसे पहले तो आंदोलन का पड़ाव होता है कि लोगों को जागृत करना, ये नहीं कि हम जीत गए वही आंदोलन की बात होती है। आंदोलन का पहला काम होता है कि लोगों को जागृत करना, और कई उद्देश्य होते हैं एक आंदोलन के, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों के साथ खड़ा होना। तो जो पहला पड़ाव था आंदोलन का, जिसमें था कि भाई एक संगठन बनाना, एनएसी उसमें काफी हद तक कामयाब रही। नेशनल एजिटेशन कमेटी कमांडर साहब के नेतृत्व में उन्होंने वो काम बखूबी किया, लोगों को जोड़ के रखना, लोगों को संगठन में बना के रखना। और कहते हैं दुनिया में वृद्धजनों का सबसे बड़ा संगठन है ईपीएस 95 वाला, तो कहने का मतलब है उन्होंने ये काम ठीक ढंग से किया, इसके लिए उनको 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि संघर्ष की आग को बुझने नहीं दिया, लगातार वो संघर्ष करते रहे और पूरे 10 साल लगभग होने को आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी वो जो जोश है, वो जुनून है, वो कम नहीं होने दिया और उसमें वो कामयाब रहे। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि भाई लीडरशिप को बराबर धोखा दिया गया। लीडरशिप ने जहाँ ट्रस्ट किया, सरकार पर ट्रस्ट किया, नेताओं की भाषा पर ट्रस्ट किया, नेताओं के वादे पर ट्रस्ट किया, उनको लगा कि शायद भगवान सरकार में करुणा होती है, सरकार में दया होती है, सरकार में मानवता होती है, सरकार में कुछ ऐसा होता है जो जनता के प्रति सरकार को मजबूर करता है कि भाई जनता के प्रति कुछ निर्णय लें। तो ऐसा उनकी जो ट्रस्ट थी, मुझे लगता है कि वो फेल हो गई और उस ट्रस्ट को पूरा नहीं हुआ, इसीलिए शायद आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, छला सा महसूस कर रहे हैं। और अब हम जो कह रहे हैं कि देखिए, दिल की लड़ाई दिल से लड़ी जाती है और दिमाग की लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है। पेंशन की लड़ाई दिल की तो है ही है, साथ में दिमाग की लड़ाई भी है। अगर आपके दिमाग की लड़ाई है तो आपको समझना पड़ेगा कि सरकार आपकी को मांगने से नहीं देगी। सरकार क्यों ही देगी? सरकार तब देगी जब सरकार को कोई परेशानी होगी, या फिर सरकार तब देगी जब न्याय संगत बात आप करेंगे और न्याय संगत बात मांग रखेंगे। अगर आप कुछ ऐसी मांग रखेंगे जो कि सरकार जिसको घुमा फिरा के मना कर दे या सरकार जिससे पल्ला झाड़ ले, तो अल्टीमेटली होगा क्या? वो एक कविता है, मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा। जब माँ से बच्चा जिद करता है कि भाई मैं चांद को लूंगा, तो कटोरे में चांद दिखा देती है माँ। तो जब इस तरह की जिद होगी या इस तरह की चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि वो मांगे पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रैक ही गलत है। और इस ट्रैक गलत कहने पे मैंने सिर्फ 2 वीडियो बनाई है, बड़ी सिंपल से मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन बहुत लोगों को इस पे आपत्ति हुई है। इनडायरेक्टली मुझे मैसेज में पता लगा है कि कुछ लोग बहुत नाराज हैं मुझसे। वो बेशक नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अब तक जिस पर बिलीव किया, जिस सिस्टम पर, जिस
जिस उन्होंने जिस हथियार पे बिलीव किया अब तक, वो कष्ट तो होता ही है कि जिस आइडियोलॉजी पे वो चले या जो तरीका उन्होंने अपनाया वो बिल्कुल फेल्ड तरीका हो गया और अब उस तरीके से लगाव हो गया है। मुझे लगता है कि पेंशन से ज़्यादा, अपनी मांग पूरी होने से ज़्यादा उस तरीके से लगाव हो गया है कि भाई हम 7,500 की मांग कर रहे हैं, ये तो हमने बोली थी, अब इस मांग से ज़्यादा लगाव हो गया है, ना कि असल में वृद्धजनों को पेंशन मिले। तो तरीके बदलने पड़ते हैं, हथियार दूसरे बदलने पड़ते हैं, मुद्दे दूसरे उठाने पड़ते हैं, लेकिन अंतोत्तत्व अंत भला तो सब भला, भीख बंज व्यापार, अंत में क्या मिलना चाहिए? अंत में वृद्धजनों को उनका हक मिलना चाहिए, उनके हक का पैसा मिलना चाहिए, तरीका कोई भी हो। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि भाई अचानक अब नए सिरे से लोगों को समझाना होगा कि 7,500 नहीं, हम तो जो हमारा बनता है वो मांग रहे हैं, नहीं बनता तो हम ईपीएफओ के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत करें। मुझे लगता है अगर ये बहादुरी भरा निर्णय कर लिया, क्योंकि देखिए जो अपने को सुधार ले उससे बड़ा कोई लीडर नहीं होता। अगर मुझे लगता है कि मेरे कोई तरीके कामयाब नहीं हो रहे हैं तो एक बच्चे से भी तरीका सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इतने बड़े सीनियर लीडर्स हैं, इतना अनुभव है, उनके सामने बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोटी बात सबको समझ में आ रही है और ये मेरी बात नहीं है, ये सैकड़ों लोगों की बात है, हजारों लोगों की बात है, लाखों लोगों की बात है जिनके मन में भी यही है। तभी तो कमेंट में एक 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 वीडियो के अंदर 15,000 लोग हैं और 15,000 में से जितने भी कमेंट आ रहे हैं उसमें से 1% से भी कम कह रहे हैं कि मनोज भाई आप गलत कह रहे हो। 99.9% लोग ये कह रहे हैं कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, सरकार हमारे साथ छल कर रही है, सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, हमारे का जो ट्रैक है वो गलत है। अगर इतने लोग कह रहे हैं तो बात में कुछ ना कुछ तो होगा। इसका सीधा ये है कि लीडरशिप को देखना चाहिए कि भाई अगर ये बात उठाई जा रही है तो क्यों ना सत्य की लड़ाई लड़े, हम सरकार से मांगना छोड़े और हम अपना पैसा मांगने की शुरुआत करें। शुरुआत करनी होगी, जीरो से शुरुआत करनी होगी मुझे पता है, लेकिन आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी है। आपका संगठन बना हुआ है, आपका संगठन बना हुआ है, आपने आंदोलन को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया है, तो उन लोगों के दिमाग में आपकी बात है, बस आपको अपनी मांगों को रिवाइज करना है। भाई सरकार के कहने पर भी तो आप मांग पत्र बदलने को तैयार हो जाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो आप जनता की समझ के सीधा 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 बात करिए। आप मांगने से काम नहीं चलेगा, आप दहाड़ने से काम चलेगा, और सीधा दहाड़ो कि भाई मेरा हक दे दो, अगर मेरा कुछ बनता है तो दे दो और नहीं बनता तो अपना रखो अपने पास। मोटी बात ये है कि जो मेरा बनता है वो दे दो, ना तो मुझे खैरात दो, ना मुझे भीख दो, ना मुझे भिक्षा दो, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उस पर जो मेरा बनता है सही तरीके से, तुम्हारे नियम से नहीं, तुम्हारे नियम है तो नियम बदलो, अदरवाइज इस स्कीम का, ईपीएफओ की स्कीम का बॉयकॉट कर दिया जाए नए लोगों द्वारा। पुराने लोग तो इसमें फंस गए हैं, लेकिन नए लोग अगर इसका बॉयकॉट कर देंगे तो शायद ईपीएफओ को अकल आ जाएगी। और देखिए सरकारें संवेदनहीन नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें संवेदनहीन होती हैं। अभी हरियाणा सरकार का एक एग्जाम्पल आया है, एक वीडियो देखी है मैंने, अब उसमें कितना सत्य सूचना या कितनी झूठ है वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन यूट्यूब की वीडियो है तो मैं सिर्फ उसको शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने जिनकी पेंशन 3,000 से कम थी उनकी मिनिमम पेंशन 3,000 कर दी है ईपीएस 95 की, स्पेशली जिनकी 3,000 से कम थी, ऐसा एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कितनी सच्चाई है ये आप तो देखिए। हरियाणा सरकार कर सकती है अगर 3,000, इसका मतलब वो भी समझ रही है कि भाई 500, 700, 1,000, 1,200 रुपये में गुजारा नहीं होता, नहीं होता इतने कम में गुजारा। अगर वृद्धजनों की पेंशन, आम वृद्ध को एक मिल रही है पेंशन 3,000 हरियाणा में, तो अब ईपीएस 95 को भी 3,000 मिलेगी, ऐसा सूचना आ रही है। और बड़ी मनोहर लाल खट्टर धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों को देखना चाहिए इस सूचना में कितनी सच्चाई है, ये आप लोग निकालिए, मैं तो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि इस साल से हरियाणा सरकार 3,000 देगी सिर्फ उन लोगों को मिनिमम पेंशन जिनकी 3,000 से कम है, ज्यादा है उसको ज्यादा मिलती रहेगी, लेकिन जिनकी 3,000 तक या उससे कम है पेंशन उनको 3,000 मिलेगी, 3,000 से कम है जिनकी पेंशन। तो सारी सरकारें, राज्य सरकारें संवेदनहीन नहीं होती है, ऐसा नहीं है, संवेदनशीलता दिखाएं राज्य सरकारें और कम से कम 3,000 सब राज्य सरकारें हरियाणा सरकार से प्रेरणा लेके कर दें तो एक फौरी रिलीफ तो मिल ही जाएगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि ईपीएफओ जो मक्कारी कर रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर तुरंत सरकार ईपीएफओ के ऊपर जांच बिठाए कि भाई जो, और सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है,
जो पैसे के लेन देन की जांच करती है, पैसे के रखरखाव की जांच करती है, ऐसी ऐसी संस्थाएं लगाई जाएं, ऐसी संस्थाएं जो भारत में हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, जो खाते ईपीएफओ के खातों की भी जांच होनी चाहिए कि भाई कर क्या रहे हैं, आखिर इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है तो वो ये जा कहाँ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सरकार ही इसे कर सकती है, क्या सरकार के पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खातों की, वित्तीय खातों की जांच करती हैं, और अगर प्लस में आ रहा है, ईपीओ के पास लगातार पैसा आ रहा है तो क्यों नहीं देता। कुछ लोग मुझे मिले वो तो ये भी कहते हैं कि एक थोड़ा सा नाम में भी गलती हो तो ईपीओ नचा देता है, मतलब आप ही का पैसा है, और इतना रिजिड माहौल है कि उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। पीएफ फंड से पैसा निकालना समझ लीजिए एवरेस्ट फतेह करने के बराबर है। देना क्यों नहीं चाहते हैं, देने की मंशा नहीं है ईपीएफओ की, उसे ये लगता है कि कैसे भी करके इन वृद्धजनों का पैसा मार लो, क्योंकि कुछ दिन बाद तो ये चले ही जाएंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे, फिर वो पैसा सारा हमारा हो गया, हमारे बाप का हो गया। भाई पैसा किसी का नहीं है, सबको ऊपर जाना है एक दिन, लेकिन जो आदमी बद्दुआ दे के जाएगा, जो आदमी दुखी होके जाएगा, उसकी बद्दुआ लगेगी, उन लोगों को लगेगी जो निर्णय लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो उन अधिकारियों को लगेगी जिन्होंने उनका हक नहीं दिया, वो दे सकते थे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ईपीएफओ को चाहिए कि वो तुरंत ही प्रस्ताव बनाए और बताए कि भाई हमारे पास ये है और ये कर्मचारी, इतने कर्मचारी हैं, इनको हम इतना दे सकते हैं। तो सरकार को क्या ही आपत्ति होगी, सरकार कहेगी अगर आपके पास पैसा है तो दे दो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग इस पे नाराज हुए हैं। मुझे कुछ खबर आई कि कुछ लोगों ने कहा है कि आपने कोई उल्टी वीडियो डाली है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने उल्टी वीडियो डाली है, क्या मैंने ईपीएस 95 के खिलाफ वीडियो डाली है कोई, क्या मैंने जो करंट लीडरशिप है उसके खिलाफ एक शब्द बोला है? अगर बोला है मैंने, तो मैं ऑनलाइन हजारों लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है आखिर? हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई सत्य को सत्य कहना गलती है, अगर ये गलती है तो मैं गलती कहूंगा, क्योंकि मुझे तो रास्ता दिखाना है भाई। अगर मुझे दिख रहा, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा हजारों लोग वैसा ही देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ मनोज भाई आप ठीक कह रहे हो, और आप लीडरशिप को बोलो ये बात। और मैं, मजे की बात यह कि लीडरशिप भी ये वीडियोस देख रही है, लेकिन उनके भी मन में मंथन चल रहा है। जो टॉप लीडरशिप है एनएसी की, वो देखती है वीडियो, और देखकर मुझे इनडायरेक्ट सोर्सेस से पता चल रहा है कि उनके अंदर बहुत विचार विमर्श चल रहा है, उनके अंदर बहुत उधेड़बुन है कि इसको कैसे लें, क्या ये हमारे खिलाफ है या हमारे समर्थन में। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि ये आपके खिलाफ कतई नहीं है, आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को सलाम है, और हम सब आपके पीछे हैं, लेकिन हम अपनी बात तो कह ही सकते हैं। अब मैं तो ईपीएस 95 से नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो तो बात कह सकते हैं, और मैं उनका माध्यम भर हूँ। अब मैं जैसे आपकी बात जनता तक पहुँचा रहा था, जो टॉप लीडरशिप की बात थी मैं जनता तक पहुँचा रहा था, वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब जनता की बात लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा। जो ईपीएस 95 की जो व्यूअर्स हैं, जिनकी, वो जो जनता है जो बात कह रही है, मैं जो एनएसी की लीडरशिप है, मैं आपसे कह रहा हूं सुनो एनएसी की लीडरशिप, सुनो जनता क्या कह रही है, कमेंट पढ़िए और पूछिए जनता से। और अगर आपको ऐसा लगता है क्या आपकी, आपका रास्ता सही है, तो जनता खुद बता देगी, आपको रास्ता दिखा देगी। मैं रास्ता नहीं दिखा रहा, ये अकेले मेरे का विचार नहीं है, ये लाखों लोग इस विचार से मुझे लगता है सहमत हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए, और मुझे लगता है आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे आपका जो ऑरा है और बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व और विराट हो जाएगा। विराट तो है ही आप, महाविराट व्यक्तित्व हो जाएगा। और मुझे लगता है जो अभी आपको 85 लाख के करीब या 70-80 लाख के करीब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो भी लोग जुड़ जाएंगे, जो लोग अभी पेंशन फंड में भुगतान दे रहे हैं, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको यहाँ से लंबी छलांग लगानी है। मैंने एनएसी की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि अब आपको सिर्फ वृद्धजनों का आंदोलन नहीं करना है, इसको पूरे ईपीएफओ के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन बनाना पड़ेगा। ईपीएफओ के खिलाफ जब तक नहीं बनाएंगे, छोटा सा आपको बड़ा स्टेप लेना ही होगा।
आपको उन लोगों को सीधा सीधा बुलाना होगा, उन लोगों को संबोधित करना होगा जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और उन लोगों को असहयोग करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। आपके पास वकील हैं, आपके पास पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास पूरी टीम है, आपके पास लोग हैं, और हम, मैं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जनता की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। निर्णय आपका है, ये मेरी बात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं नेता बनने की कोशिश मत करो, तो भैया हम क्या ही नेता बनेंगे, हम तो नेता, जो लोग नेता हैं हमारे या जो लोग नेता हैं, हम उनको कह रहे हैं कि सुन लो। और देखिए मोदी जी को, मोदी जी नेता है जैसे देश के, तो मोदी जी को आप लोग कहते हैं कि भाई सुन लो, अब नहीं सुन रहे तो ये उनकी विषय है। इसी तरह से एनएससी के लीडरशिप, आप नेता हो इन पेंशनर्स के, तो आपको भी इनके दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी। पूछो जरा एक एक व्यक्ति से जाके कि आपका क्या जो तरीका है वो ठीक है, और ठीक है तो क्यों नहीं मिली अब तक विजय, और फिर 5 साल के लिए चला जाएगा ये। अब तो आपको इसका स्केल बढ़ाना होगा, अब और लोग इसमें शामिल करने होंगे। मैंने पहले भी कहा था इसे देश का आंदोलन बनाना होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। सिर्फ 85 लाख का ये सवाल नहीं है, 85 लाख पेंशनर्स का, 85 लाख मैं संख्या बोलता हूँ, एवरेज बोलता हूँ, शायद गलत हो सही हो, आप इसको करेक्ट कर लेना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इतने लोगों का सवाल नहीं है, कम से कम करोड़ों लोगों का सवाल है। तो आप क्यों नहीं इसको ब्रॉड करते, क्यों नहीं कैनवस बड़ा करते? बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करेंगे तो जीतेंगे, और छोटी लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद विजय मिलने में दिक्कत होगी, हर्डल्स आएंगे। आपको क्या लगता है? आप लगातार इस बात को कमेंट के जरिए बताइए, आपके कमेंट से बड़ा बल मिलता है, तो मैं आ चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें और अपनी बात रखें। देखिए मैंने अपनी बात रख दी, हरियाणा वाले मैटर पे भी बात रखी, बहुत सारे कमेंट थे, अब मैं पढ़ता क्या, सब तो तारीफों वाले कमेंट थे। जो मेरी वीडियो पे इतने कमेंट आए, मैं चाहता हूँ कुछ आलोचना के भी कमेंट आए, लेकिन आपके जितने कमेंट आए थे 100-150 सब तारीफ वाले कमेंट थे, तो इसलिए मैं तारीफ पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। जो लोग आलोचना लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, वो सुधार में कहती है, लेकिन अब ज़्यादातर लोग सहमत हैं, तो मुझे लगता है टॉप लीडरशिप को भी मुझे एक उसकी तरह, दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं भी आपके, आपको बच्चों के समान हूँ, तो मैंने एक बात रखी, जो लोगों से मुझे फ़ोन कर करके जो लोग कह रहे थे, जो कमेंट के जरिए कह रहे थे, बस उसी पे वीडियो बनाया है मैंने, वो बड़ा सिंपल वीडियो बनाया है। और आज मुझे लगता है कि मैं हजारों लोगों की बात, हजारों लाखों लोगों की बात एनएससी की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं, तभी इतनी उथल पुथल है, तभी इतना मंथन है, तभी मेरे बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि मनोज क्या हो गया मनोज, और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं लोग कि मनोज तुमको क्या हो गया, क्या तुमको किसी ने पैसा दिया है जो इस तरह से लीडरशिप के खिलाफ कर रहे हो? मैंने कहा है मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ कोई देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि आपके पैसे से, आपका पैसा नहीं होता, आपका पैसा वो आशीर्वाद होता है, और हम चैनल चलाते हैं तो हमारे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर कोई देता है तो हम सहज स्वीकार करते हैं उसको, हम सहयोग तो सबको चाहिए, और सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप भी आगे बढ़ें और संघर्ष करें, और ये लड़ाई अपने तक सीमित ना करें, अब ये लड़ाई ईपीएफओ के खिलाफ होनी चाहिए, और पूरे देश के जो पेंशनर्स हैं, जो गैर सरकारी संगठनों में, जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उनके हित की लड़ाई बननी चाहिए, और सरकार के खिलाफ भी नहीं है ये लड़ाई, सिर्फ अपने हक की बात करो, अगर सरकार के खिलाफ करोगे तब भी ठीक नहीं है, जो न्याय संगत बात है उतने तक ठीक है भाई, न्याय दे दो, जस्टिस दे दो, इतना अपने आप को बचा के रखो। देखते रहिए मिनी संसद।